इसमें क्या दिक्कत आ रही है सर? ये बहुत हैंग हो रहा है, बहुत स्लो चलता है। आपने लेट होता है। आपने इसमें अभी क्या क्या कर लिया है? अभी मैंने इसमें विंडो डाल दिया इसमें। आपने अभी ऑनलाइन करा? हाँ। ये आपका जो है i3 का 10th जनरेशन का सिस्टम है, 2.20 GHz का प्रोसेसर, इसमें 4 GB रैम लगी हुई है। और अपना ये हमने यहाँ पर इसकी हार्ड डिस्क की जगह यहाँ पर हमने इसमें SSD फिक्स कर दी है। ये आप देख रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ ये SSD फिक्स हो रखी है। हेलो दोस्तों, आपका ABC इंस्टोर में स्वागत है। जैसा कि हमारे पास एक ये पर्सन है, हमारे स्टूडेंट ही हैं, ये एक लैपटॉप लाए हुए हैं। ये रखा हुआ है लैपटॉप, Asus का लैपटॉप है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है सर? ये बहुत हैंग हो रहा है, बहुत स्लो चलता है ये। आपने इसमें अभी क्या क्या कर लिया है? अभी मैंने इसमें विंडो डाल दिया इसमें। आपने अभी ऑनलाइन करा? और रैम इसमें कितनी है? रैम 4 GB है। और SSD है या नहीं? SSD नहीं है, हार्ड डिस्क है इसमें। अच्छा, हार्ड डिस्क है। तो देखिए, जैसे कि ये बता रहे हैं कि इसमें ये लैपटॉप स्लो चल रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं अगर ये स्लो चल रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि ये लैपटॉप है, इसको सबसे पहले हम ऑन करके देखते हैं कितनी देर में ऑन हो रहा है। हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये आ गया Asus लिख के। बहुत ज़्यादा समय ले रहा है ये। इन्होंने जैसा कि बताया, इन्होंने इसकी विंडो चेंज कर दी है। हम इसमें हार्डवेयर से भी देख लेंगे, हो सकता है इसमें जो इसका कूलिंग पेस्ट वगैरह वो ख़त्म हो गया हो, इस वजह से भी हैंग कर रहा हो या स्लो ओपन हो रहा हो। और भी देखते हैं, टेम्परेरी फाइल वगैरह डिलीट मार के देख लेते हैं। तो चेक करते हैं हम इसको। तो देखिए, ये सिस्टम ओपन हो गया। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये सिस्टम है क्या, क्या क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। देखिए कितना स्लो चल रहा है ये सिस्टम। ये आपका जो है i3 का 10th जनरेशन का सिस्टम है, 2.20 GHz का प्रोसेसर, इसमें 4 GB रैम लगी हुई है। और अपना अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो टेम्परेरी फाइलें वगैरह हैं इसमें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको हम डिलीट मारेंगे। और तो हम इसकी टेम्परेरी फाइलें देखते हैं, विंडो प्लस R से हम इसका रन ओपन करेंगे। यहाँ पे टैम्प, शायद इन्होंने पहले से ही ये सारी फाइलें डिलीट कर रखी है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो इसका इन्होंने डिलीट कर रखी है इसका। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, इसको हार्डवेयर से चेक करना है। हार्डवेयर से यानी कि इसमें देखते हैं SSD लगी हुई नहीं लगी हुई है। अगर SSD नहीं लगी हुई है तो SSD का इनको बजट बताएंगे और इसमें SSD लगा के चलाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। और हार्डवेयर से इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं और सही करते हैं इसको। हम इस लैपटॉप को देखते ओपन कर रहे हैं, फिर हम इसमें देखते हैं इसकी SSD है या हार्ड डिस्क है, इसमें क्या है। लैपटॉप खोलने में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो पेज का रखना है, पेज प्रॉपर सही जगह पे लगे जो जहाँ पे हो, ये हमें याद रखना है। अगर आपको भी लैपटॉप वगैरह रिपेयर कराना है तो आप आ सकते हो यहाँ पे प्रॉपर रिपेयरिंग होती है, चिप लेवल, कार्ड लेवल, सॉफ्टवेयर, हर तरह की रिपेयरिंग होती है। आप रिपेयर करा सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग भी हम कराते हैं अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग में। तो देखिए, जैसे कि हमने सारे स्विच ग्रुप खोल लिया है, हम इसको ओपन करेंगे। अब कई कई लैपटॉप क्या होते हैं, बैक साइड से ओपन होते हैं, कई फ्रंट साइड से ओपन होते हैं। अभी बैक साइड से ओपन आ गया, अब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो हम इसको यहाँ साइड से हमने इसको खोल लिया है, इसकी साइड है, इसको हम उठाते हैं।
देखिए जैसे कि कस्टमर बोल रहे थे कि इसमें SSD लगा हुआ है, बट इसमें SSD नहीं है, इसमें हार्ड डिस्क है। सबसे पहला रीज़न तो ये है, इसकी वजह से स्लो चल रहा है। और इसमें जो रैम है वो एक इनबिल्ट रैम है और एक यहाँ पे लग सकती है, तो हम इसमें रैम भी बढ़ा सकते हैं और हार्ड डिस्क की जगह SSD भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं पहले हार्ड डिस्क को निकाल के। ये हमने यहाँ पर इसकी हार्ड डिस्क की जगह यहाँ पर हमने इसमें SSD फिक्स कर दी है। ये आप देख रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ ये SSD फिक्स हो रखी है। ये SSD लग गई है इसमें, NVMe है ये। अब इसको हम एक बार ही चेक करते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, स्पीड बढ़ी है क्या है, इसमें विंडो डाल के देखेंगे, इसको ऑन करके देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले डालनी पड़ेगी विंडो हमें, क्योंकि हमने इसकी SSD चेंज करी हुई है। देखते पुरानी वाली एक बार ही ले लेती है बूट तो ठीक, वरना नहीं डालेंगे। ये देखिए हम इस SSD में विंडो को इंस्टॉल कर रहे हैं, और अब ये लैपटॉप की स्पीड देखना आप, SSD लगाने से कितनी फास्ट हो गई है। और इसमें विंडो डाल के भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी देर में ये ओपन होगा। तो अभी हम विंडो डाल रहे हैं, देखिए इसमें विंडो इंस्टॉल हो गई है। अब इसको मैं आपको एक बारी रीस्टार्ट करके दिखाऊंगा कि इसका जो ओपन और क्लोज का प्रोग्राम खुलने का जो प्रोसेस है वो क्या है। ये विंडो इंस्टॉल हो गई, SSD इसमें लगी हुई है, NVMe। देखिए ये विंडो इंस्टॉल हो गई, अब मैं इसमें आइकन लाता हूँ, फिर इसकी प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है ये, देखिए देख रहे हैं, ये फ़ायदा होता है SSD लगाने का। तो आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं SSD। और देखिए मैं इसको एक बार ही रिस्टार्ट करके भी दिखाता हूँ, इसका रिस्टार्ट का प्रोसेस देखना, पहले से बहुत ज़्यादा फर्क आएगा इसमें। ये हो गया बंद और ये हो गया चालू। पहले चालू होने में कम से कम 2 से 3 मिनट ले रहा था, अब देखिए खुल गया तुरंत, सेकंड विद इन सेकंड। ये होता है SSD का फ़र्क। तो आप भी SSD यूज करें, लगाएं सेम इसी प्रोसेस से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।